छोटू हर रोज दीदी के टमाटर चेक करे या ना करे, अलबत्ता ये उबलते हुए संतरों पर जरूर नजर रखेगा, कंफर्म है ये। कितने बड़े हो ये? राखी जी, राखी कितने बड़े होंगे टमाटर? तुम्हारे थोबड़े जितने बड़े टमाटर का पौधा। टमाटर का और आपको जान मालूम है कि टमाटर कितने महंगे हो गए। हाँ, टमाटर तो अंडे को रोज जाके मेरे टमाटर का पौधा चेक करते रहना। ठीक है ठीक है। कितने टमाटर उगे हैं छोटू? हाँ करेगा ना। हाँ हाँ। अंडों के साथ ऐसा सलूक अगर मुर्गी देख लेती तो इसने तो अंडा देना ही छोड़ देना था। अगर अंडों की कुर्बानी से कोई मुर्गा, मेरा मतलब है दूल्हा, मिल जाता तो कभी अंडों को मशीन से पैदा करना ना पड़ता। कभी इस घर और कभी उस घर के लोंडे फंसाने वाले अक्सर बेघर ही रहते हैं मोहतरमा। रही बात होटल की, तो होटल में जगह एक सूरत में ही मिल सकती है कि आप किसी होटल में स्वीपर लग जाओ। बेघर हूँ अपने घर ले चलो, घर में होटल ले चलो। मैडम तुम नेचुरल तो हो मगर खुद को ब्यूटी कहना अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने जैसा है। और ये कौन नहीं जानता होगा कि इस नेचुरल ब्यूटी के लिए मिस ब्यूटी क्वीन ने क्या क्या जतन नहीं किए। तो बेहतर है बंदे को अपनी औकात में ही रहना चाहिए। मेकअप नहीं किया है, मैं तो पैदाइशी नेचुरल ब्यूटी हूँ, देखो है ना। देखो आपने देखो, थोड़ा भी मेकअप नहीं है मेरा। देखो देखो मैं पैदाइशी नेचुरल ब्यूटी हूँ। राखी सावंत को मेकअप वेकअप की जरूरत नहीं है। ऐसा तूफान हो तो हर कोई खुशी खुशी गले लगा ले इस तूफान को, मगर तुम तूफान नहीं, तुम तो आफत की पुड़िया हो और आफत से लोग दूर ही रहते हैं मोहतरमा। जो तूफान आने वाला था ना, जो तूफान आने वाला था मुंबई में, वो आ चुका है। वो आ चुका है। उसका नाम है राखी सावंत। उसका नाम है सुनामी।